दोस्तों अगर आपके माउस का स्क्रॉल व्हील खराब हो गया या फिर आपके माउस का बटन खराब हो गया तो इस वीडियो में आज हम इसे बहुत ही आसानी से फिक्स करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये किसी भी ब्रांड के माउस पे काम करेगा। तो जैसे कि भाई आप देख सकते हैं, मैं डेल का जो है माउस यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो है क्लिकिंग बटन जो है ख़राब हो गए हैं। तो दोस्तों हमें इस वाले केमिकल की ज़रूरत होगी और ये सिर्फ आपको 100 रुपीज़ के आसपास मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इस माउस को जो है ओपन करना होगा और ओपन करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर इसका जो है ये स्ट्रैप जो है हटानी होगी। इसे बड़े जेंटली आप इसे हटाइए, रिमूव कीजिए। दोस्तों हमारे माउस का जो है बटन इसलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारे माउस के अंदर जंग वगैरह लग जाती है उन बटन्स के ऊपर जो बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रैप को हटाने के बाद आप इसे फोल्ड कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो यहाँ पर स्क्रू हैं, इन्हें भी हमें हटाना होगा और फटाफट से इसे मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा माउस जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको एक सर्किट बोर्ड दिख रहा है और कुछ वायर दिख रहे हैं। तो दोस्तों हमें इस सर्किट बोर्ड को भी बड़े आराम से जो है ऊपर की तरफ उठा लेना है, निकाल लेना है। और दोस्तों इस पर ज़्यादा फोर्स मत लगाइए क्योंकि ये डैमेज भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बड़ी आसानी से इसे निकाल लिया है। अब मैं इसका स्क्रॉल व्हील भी हटा दूंगा। दोस्तों ये जो स्मॉल बटन है इसके अंदर मेटल पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर जंग आ जाती है और ये जो है काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम जो अपना केमिकल है वो किसी क्लीन सर्फेस पर लेंगे। जैसे कि मैंने इसे स्केल पर ले लिया है और दोस्तों किसी भी टूल की मदद से इसे आपको अप्लाई करना है इन बटन्स के ऊपर। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसे इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ ये जो है अंदर चला जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये बिल्कुल आराम से आप जेंटली ध्यान से करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और ऐसा आपको सारे बटन्स के ऊपर करना है और जो उसका स्क्रॉल व्हील है इसके ऊपर भी आपको करना है। दोस्तों जो ये केमिकल है इसके साथ एक स्ट्रॉ आती है और स्ट्रॉ की मदद से हम इसके स्क्रॉल व्हील के इस स्विच के ऊपर जो है स्प्रे करेंगे। इतना करने के बाद जो है हमारा काम दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अब इसे बड़ी सावधानी से वापस इसे जो है बंद कर देंगे जैसे हमने इसे ओपन किया था। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसके होल्स का ध्यान रखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके थोड़े स्मॉल से होल्स हैं। यहाँ पर इसकी पिन जैसी आएगी ऑटोमेटिक जो है ये फिट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे की तरफ इसके हिंचेस बने हुए हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये आगे की तरफ से जो है फिट होगा, उसके बाद ये जो है पीछे की तरफ से फिट होता है। तो दोस्तों इसे आप आराम से जो है ध्यान से इसे बंद कर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर इस पर अब लगेगा, उसके बाद ये फिट हो जाएगा। दोस्तों फिट होने के बाद यहाँ पर आपको वापस इस स्ट्रैप को हटाना है ऊपर की तरफ और फिर स्क्रू ड्राइवर से वापस स्क्रूज को जो है वापस टाइट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा जो माउस है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे पूरा का जो है टाइट कर दिया और ये हमारा जो है सक्सेसफुली मैंने इसे बंद कर दिया है माउस को। अब मैं इसे वापस प्लग करता हूँ। दोस्तों अभी जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ मेरा माउस बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल 100% एकदम जैसे नया माउस काम करता है। और ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक दिस वीडियो और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका माउस पे ये तरीका जो है काम करता है या फिर नहीं करता है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय फॉर नाउ, सी नेक्स्ट टाइम।